अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। शुरू करते हैं सबसे पहले नाज़रीन उस इशू पर जो कि आपकी हमारी ज़िंदगी वो असर अंदाज होता है हर लम्हे, और वो ऐसा इशू है जो पाकिस्तान की सियासत में पहले कहीं दूर रखा जाया करता था ये इशू, और इस इशू पर ज़्यादा बात नहीं होती थी, सियासत सियासत और सियासत पर बात होती थी। लेकिन हमने देखा पिछले 3-4 सालों से जो माशी सूरत हाल है, जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके हवाले से एक तवातर के साथ वो सियासत का एक बड़ा यानी के की इशू बन के सामने आया है। और चाहे आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को लें, चाहे आप इस्टेब्लिशमेंट को लें, चाहे आप कोर्ट्स को लें, जिसको भी आप लें, तो आप देखते हैं कि वो बात इन्फ्लेशन की करते हैं, वो मईशत की बात करते हैं, वो एक्सपोर्ट्स की कमी की बात करते हैं, वो डॉलर की रेट की बात करते हैं, डॉलर की स्मगलिंग की। तो पाकिस्तानी जो इस वक्त मईशत है, अगर हम ये कहें कि इसको कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर, के मार्जिन ऑफ एरर के गलती करने का मार्जिन आपके पास जब होता है, जब आपके पास वसाइल हो, आप गलती करते हैं फिर भी आप चले जाते हैं, चलते रहते हैं आगे। पाकिस्तान के पास जो मार्जिन ऑफ एरर था, जब आपके पास पैसा था, और अगर नहीं भी था तो दिलचस्प बात है कि आपके दोस्त आपको पैसा दे देते थे, कभी उधार पे दे देते थे, कभी वो उधार दिया हुआ है फिर आप उसको रोल ओवर करवा लेते थे, कभी वैसे ही दोस्ती में दे देते थे, या फिर कभी आप किसी के एलाय बने तो उसमें आपको मिल गया सर्विसेज पे पैसा। यानी कि जब हमने अफगान वॉर लड़ी तो उस वक्त अमरीकनों ने पैसा दिया। अब जहां हम खड़े हैं, सूरत हाल ये है कि औरंगजेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, इस हकूमत ने उनको बनाया है, फॉर्मर बैंकर, उन्होंने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में क्या कहा, उन्होंने वन ऑफ हिज की स्टेटमेंट्स वाज, उन्होंने कहा अब हमें कोई हमारा दोस्त भी पैसा नहीं देगा। यानी कि आप सऊदी अरेबिया चले जाते थे, यूएई चले जाते थे, चीन तो आपको अभी भी देता है लेकिन अब उस तरह से नहीं मिलता आपको पैसे जैसे पैसे मिलता था पहले मिलता था। तो उन्होंने ये बड़ी क्लियरली कह दिया कि अब वो वक्त गुजर गया है। अच्छा, इनके कहने से पहले ये भी हमें मालूम है कि बीच में एक टेक्नोक्रैट / पोलिटिकल फाइनेंस मिनिस्टर आए, उन्होंने भी ये कहा कि जी पैसा नहीं मिलेगा, मुश्किलात हैं, रिफॉर्म करें, ये करें, तो उन पर तनकीद भी होती थी, हम जैसे लोग भी तनकीद उनकी खूब करते थे, और पार्टी के अंदर ही बिलोंग टू PMLN, पार्टी के अंदर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, और फिर वो बहुत शिकायत भी करते रहे। नाम उनका है मिफ्ता इस्माइल साहब, और आज है वो हमारे साथ प्रोग्राम में। वेलकम टू द शो मिफ्ता। ठीक कहा हमने या नहीं कहा? हैव आई रिपोर्टेड इट करेक्टली? Whenever you ever reported anything incorrectly. चलिए, thank you very much. Now this doesn't sound real. अच्छा ये बताइए मिफ्ता साहब कि आपने, आपसे हम बात करेंगे मामलात जो हैं, मसलन प्राइवेटाइजेशन है, और अगर आपकी हमारे एसेट्स जा रहे हैं इतना इस वक्त लॉसेज में, तो उस प्राइवेटाइजेशन से क्या हासिल होगा, इन्फ्लेशन वगैरह का। लेकिन आपने एक दो चैनल्स पर एक बात की तो हमने कहा आपसे उस सबसे पहले उस पर पूछते चलें। आपने ये फरमाया कि औरंगजेब साहब, जिनकी आपने बड़ी तारीफ की, और हम और जिन लोगों से हमने बात की है हु नो हिम प्रोफेशनली, वो भी बड़ी उनकी तारीफ करते हैं। आपने कहा कि औरंगजेब साहब परफॉर्म कर लेंगे अगर डार साहब ने उनकी टांग न खींची। नाउ दिस इज वेरी स्पेसिफिक एंड इन अ सेंस वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि डार साहब तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो क्या मतलब था आपका? यू मीन डार साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपकी बात दुरुस्त है। आपको नसीम याद होगा कि डार साहब के वजीर बनने से कुछ 2 दिन पहले शायद, और मुझे निकालने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले डार साहब ने आप ही का शो किया था जिसपे उन्होंने कहा था कि 180 रुपए होनी चाहिए डॉलर की कदर। जी हाँ, बहुतों में कहा था उन्होंने, बिल्कुल। एक आप मतलब मैं आप क्योंकि आपके शो पे मुझसे जी जी बिल्कुल कहा था। अब 180 रुपए का नंबर इन्होंने कहाँ से निकाल लिया ये अल्लाह जानता है, ठीक है। लेकिन और दुनिया में कोई, मैं क्योंकि PhD कर चुका हूँ इकोनॉमिक्स में, तो मुझे पता है कि दुनिया में कोई ऐसा हिसाब नहीं होता जिसके तहत आप ये बता सकें कि इसका ये नंबर होना चाहिए। मतलब ये मार्केट के फैसले होते हैं, और रेयर वगैरह भी एक डिफरेंट चीज़ होती है जिसके अंदर आप एक नॉमिनल वैल्यू से कि उस 2010 के मुकाबले में आज या 2015 के मुकाबले में आज कितना ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, लेकिन कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं निकल के आता। तो डार साहब उस वक्त भी ये कह रहे थे कि 180 का है। बेसिकली ये है बात कि एक आदमी, मैं मिसाल के तौर पर अगर एक वजीर था तो मैं एक डॉक्टर की तरह था जो बीमार को कह रहा था कि देखो अब तुमको परहेजी करनी पड़ेगी, अब तुम ये रगन खाने नहीं खा सकते हो, अब तुमको वॉक करना पड़ेगा, सिगरेट छोड़नी,
थी, और डार साहब जो है वो आसान सोल्यूशन दे रहे थे कि नहीं मुझे बना दोगे तो डॉलर भी 180 पे आ जाएगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी, बिजली भी सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा। ये कुछ नहीं हुआ। और हम इस किस्म के ख्वाब, ये सिर्फ डार साहब की बात नहीं, हम 70 साल से ये अपने आवाम को ये ख्वाब बेचते रहे हैं जिसमें रियालिटी नहीं है। और जो औरंगजेब साहब ने बात की है कि अब आपको दुनिया कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, आपने फरमाया कि सऊदी अरब और यूएई नहीं दे रहे, चीन भी नहीं दे रहा है। सच्ची बात यह है कि देखें, चीन ने इस वक्त $4 बिलियन की हमको डिपॉजिट दिए हुए हैं और तकरीबन 30 बिलियन का या 28-30 बिलियन का इनका दीगर लोन है जो कि सीपैक के प्रोजेक्ट्स में है। सऊदी अरब ने 3 बिलियन के डिपॉजिट दिए, यूएई ने 2.5 बिलियन के डिपॉजिट दिए। अब हमने क्या मतलब हमेशा जाके कशकोल लेके ही जाना है, कभी अपने पैर पर ही खड़ा होना? क्या यहाँ से टैक्स नहीं जमा करने चाहिए? यहाँ पे हम अमीर तरीन लोगों से टैक्स को इस्तिस्ना दे देते हैं और फिर जाके कशकोल लेके दुनिया में जाते हैं। अच्छा, तो ये भी खबर अब तो है सामने कि औरंगजेब साहब तो सेनेटर बनने जा रहे हैं, तो ये जो मैं आपने उसका जवाब नहीं दिया जो आपने लेग पुलिंग पर बात की थी, आपने क्यों ये कहा डार साहब के ये टीम के मेंबर हैं, आई डोंट सी डार साहब डूइंग एनीथिंग, व्हाई डिड यू हैव टू से दिस? एक्चुअली ऑलरेडी जो जो डार साहब से बहुत ज्यादा क्लोज साहफी हैं लंदन में, उन्होंने ऑलरेडी औरंगजेब साहब के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी है। और औरंगजेब साहब ने तो कभी ये नौकरी नहीं मांगी थी, औरंगजेब साहब के पास चल के गई है और औरंगजेब साहब तो रिलक्टेंट थे ये नौकरी लेने में। और ऑलरेडी ये डार साहब के जो क्लोज साफी हैं उन्होंने ये बात शुरू कर दी। और डार साहब का एक रिकॉर्ड है, वो हफीज पाशा साहब जब थे 1999 में, उनके साथ भी ये हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, बाकी आयशा गौस पाशा ने भी इस बार टिकट की एप्लीकेशन नहीं की। तो मतलब ये तो वी ऑल नो दैट, यू नो दैट। अच्छा नहीं, मेरा मतलब आई टेल यू, आई मीन आई डोंट वांट टू लेबर द पॉइंट क्योंकि बड़े और इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, बट बात ये मिफ्ता कि इन्होंने डार साहब ऑब्वियसली हैज अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन एंड अप सेइंग कि ही डिसएग्रीज, मतलब उन्होंने तो खुलेआम, आपकी भी उनके साथ डिस्कशन हुई थी, मियाँ साहब के सामने भी, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी, तो ये तो नहीं कि वो छुप के बात करते हैं, वो बड़ी खुलेआम उन्होंने कहा था, बिल्कुल डॉलर का कहा था, उन्होंने कहा था ये आई थिंक उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि सऊदी अरेबिया वगैरह हमें उस तरह से हेल्प करेगा जैसे कि 90s में करते थे, वो नहीं उन्होंने किया जैसे कि मियां साहब की थर्ड टाइम किया था। तो आई थिंक वो डार साहब की एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आई कैन इमेजिन कि वो कोई सिनिस्टर कैंपेन चलाने लग जाएंगे, ही इज नाउ द फॉरेन मिनिस्टर। आई डोंट नो व्हाई यू वांट मी टू से दिस और यू नो रिपीट दिस, बट अल्लाह करे ना और मेरे जो खदशात हैं वो गलत साबित हो। नहीं, मुझे क्या, मुझे आप कह रहे हैं कि व्हाई डू आई वांट टू रिपीट इट, आई थिंक द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इट इज के आई डोंट, व्हाई डू यू वांट मी टू रिपीट इट, आई एम जस्ट, अच्छा ओ नो सॉरी, नहीं नहीं, मैं तो आपसे देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि मामलात आगे बढ़ने चाहिए, बेहतरी की तरफ होना चाहिए, चूंकि आपने कहा था मैं इसलिए कह रही हूँ, आई डोंट वांट टू रिपीट इट एट ऑल, आई डोंट वांट यू टू रिपीट इट, आई एम जस्ट सेइंग के औरंगजेब साहब का सब एवरीबॉडी इज अग्रीइंग इंक्लूडिंग योरसेल्फ ऑफ कोर्स के ही इज अ गुड कैंडिडेट टू ब्रिंग अबाउट द चेंज, सो लेट्स फोकस ऑन औरंगजेब साहब। मुझे ये बताइएगा कि औरंगजेब साहब तो काबिल हैं जरूर, लेकिन एक स्याको सभा के जिसमें वो काम कर रहे हैं, मुझे इस पर बताइए सबसे पहले कि जो प्राइवेटाइजेशन का मामला है, प्राइवेटाइजेशन का जो मामला है इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो लॉसेस वाली उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई वर्कर्स राइट्स पर इशू नहीं उठाएगी जैसे हिस्टोरिकली हर जो हुकूमत जो अपोजिशन होती है हमेशा उठाती रही है, चाहे पीआईए हुआ है, चाहे कराची इलेक्ट्रिकल हुआ है, चाहे स्टील मिल हुआ है। देखें, अगर पीपल्स पार्टी या पीटीआई वर्कर्स राइट पे इशू उठाती है तो बहुत सही बात है, रीजनेबल बात है, और मैं समझता हूँ अच्छी बात है। और ये पाकिस्तान में कोई ऐसी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई जिसमें वर्कर्स के राइट वायलेट हुए हों, और बिल्कुल आपको ये कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, अगर एक 58 साल का आदमी या काम कर रहा है किसी इदारे में तो उसको अब नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो हुकूमत शुड गारंटी कि आपको तनख्वाह जो है वो आपके रिटायरमेंट तक मिलेगी, या आप एक गोल्डन हैंडशेक ले लें, वो पूरे पैसे उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ले लें, ये तो हुकूमत गारंटी करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल ये है कि पीआईए के अंदर आप 20 से 23 अरब रुपए की तनख्वाह देते हैं लेकिन आप 90 अरब रुपए का नुकसान करते हैं। आप इन पैसों में अगर ये नुकसान ना कर रहे हो तो आप कितनी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स बना सकते हैं अक्रॉस पाकिस्तान, आप कितनी लम्स यूनिवर्सिटीज खोल सकते हैं अक्रॉस पाकिस्तान, आप 12,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स खोल सकते हैं,
तो क्या आपने उन सारे बच्चों को जिस मुल्क में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उस मुल्क के अंदर ये अफोर्ड कर सकते हैं? क्या PIA टिकट सस्ता बेचता है? क्या PIA सर्विस की अच्छी है? क्या PIA की सर्विस जो है वो ज़्यादा सेफ है? PIA से कंज्यूमर को कोई फ़ायदा हो रहा है? जो आम प्राइवेट एयरलाइन में जाते हैं, जो सपोजिटली बहुत प्रॉफिट ले लेते हैं और टैक्स भी भरते हैं, वो सारी सर्विसेज PIA से अच्छी दे रहे हैं, तो PIA का हमें कितने नफल का सवाब मिल रहा है? इसी तरह स्टील मिल हुई, अब आप लेस्को ले लीजिए, लेस्को के अंदर 30-40 हज़ार लोग काम करते हैं, 5-10 हज़ार लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइवेटाइज हो जाए या ना हो जाए, और कुछ लोगों के खांचे लगे हुए होते हैं, लाइन ठीक लॉसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये सबको पता है। आप सारे लोगों को कहें कि भैया आपकी तनख्वाह जो है वो आपको मिलती रहेगी जब तक आप रिटायर नहीं हो, और जो भी प्राइवेट सेक्टर का आदमी है उसके पास आप काम करें, ठीक ये आप गारंटी करें। लेकिन तो मैं ये जानता हूं कि वो 10-20 हज़ार लोगों का उससे नुकसान होगा क्योंकि उनके खांचे थे जो भी था, लेकिन 4 करोड़ लोग जो लाहौर और अतराफ के एरिया में, इसके कैचमेंट एरिया में रहते हैं, उनको तो फायदा जी होगा ना अगर आप लाइन प्रोसेस कम ठीक करेंगी। अब ठीक बिजली की कीमत कम करने की और कोई गुंजाइश नहीं है मां सिवाय इसके कि आप निजकारी करके इनमें बेहतरी लेकर आए, तो हम क्यों नहीं कर रहे हम? ये भी, और जो आपने सियाको सबाब की बात करी, तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि औरंगजेब के सामने जो एजेंडा है इस वक्त वो मुश्किल है, क्योंकि NFC अवार्ड की आपने बात करनी है, निजकारी की बात बिल्कुल करनी है, दीगर चीजें बात करनी है, और इसमें औरंगजेब साहब को बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होगी इनके वजीर आजम की और उनकी पार्टी की कि भाई आप ये कर गुजरें, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो पाकिस्तान, देखें नसीब हिंदुस्तान से पीछे रह गया है, प्रदेश बहुत इकोनॉमिक से पीछे रह गया, ठीक अब हम नेपाल से, अब सॉरी श्रीलंका से तो पीछे थे ही, अब हम कहाँ लेके जाएंगे अपने मुल्क को? क्या जी हमारे मुल्क, ठीक हमारे मुल्क में क्या हमारे नसीब में जाहिल रहना है, जी हमारे मेरा नसीब ख्याल है में? कि जी आई थिंक मिफ्ता आप अग्री करेंगे कि हमारा किसी से पीछे रहना असल में एक सेकेंडरी बात है, सानवी असल बात है कि हम जो हम खर्च कर रहे हैं हमारे पास है ही नहीं। मतलब सबसे पहली बात और अहम तो ये है ना कि वसाइल ही नहीं है टू डू व्हाट वी वांट टू डू इवन द बेसिक्स। अच्छा ये बताइएगा कि अगर हम इस पे निजकारी पर रहें फॉर अ मोमेंट, ये जो प्राइवेटाइजेशन का मामला है, PIA के इतने लॉसेज हैं, ये जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है ये किस तरह हो पाएगा? और इसमें बहुत से सवालात हैं कि हम मेजर लॉसेज होंगे प्राइवेटाइजेशन के वक्त भी, तो थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें। देखिए सबसे बड़ा जो मसला है वो प्राइवेटाइजेशन का कानून है। प्राइवेटाइजेशन के कानून के तहत आप कोई भी चीज 460 दिन से पहले प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, यानी कि हर चीज अगर आप फॉलो करें, कंसल्टेंट भी पहले दिन हायर कर लें, वो रिपोर्ट भी सही वक्त पे आ जाए, उसकी ड्यू डिलीजेंस भी हो जाए, बिडर्स भी आ जाए, टाइम भी, हर चीज सही हो जाए, तो भी 460 दिन लगते हैं, विच इज लाइक 1.5 साल। तो एक तो कानून को सिंप्लीफाई करना चाहिए, आसान करना चाहिए, इतना अरसा नहीं होता। उसके अलावा आप देखें कि कितने प्राइवेटाइजेशन के वुजरा जो है वो जेल जा चुके हैं, ठीक कितने प्राइवेटाइजेशन के, सो आपने ये भी, आप ये देखें कि हुकूमत के लोग जो है ये साइन करने से डरते हैं, क्योंकि जो भी साइन करेंगे पीछे नैब खड़ा है। तो ठीक मैं ये समझता हूँ कि, और फिर ये कि अभी आपने कोई चीज बेचना शुरू नहीं करी, उन्होंने सामने वालों ने चोरी का इल्जाम लगा लिया, वो कहते हैं गांव बसाने कुत्ते भौंकना शुरू हो गए बिल्कुल कि अभी बिल्कुल तो मतलब अभी कोई बात शुरू नहीं भी नहीं हुई तो चोरी करेंगे। भाई चोरी क्या करेंगे, PIA को बेच के कौन सा पैसा मिल जाएगा आपको, अच्छा ये स्टील चार मिल सौ बिन के कौन साठ सा? दिनों का जो कानून है वो अभी तक कायम है? जी अभी तक कायम है। देखिए दो पिछली हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने एक कानून साजी की थी जिसके अंदर उन्होंने G2G की इजाजत दी थी, ठीक और वो भी गवर्नमेंट इसलिए हुआ था कि UAE ने मुझसे कहा था कि हम तुम्हारे पाक हुकूमत की कंपनियों के कुछ शेयर खरीद लेंगे, लेकिन हमारे पास कोई कानून ही नहीं था जिसके तहत हम उनको शेयर बेच सकें, और मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस से प्रीमियम पे भी हम शेयर नहीं बेच सकते थे क्योंकि कोई कानून नहीं था, तो G2G का कानून बना लिया। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कंबरसम है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त आपको पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए और दीगर चीजें होनी चाहिए, दे हैव टू फॉल इन प्लेस। पाकिस्तान में इस वक्त कोई बहुत लंबी लाइन कतार नहीं है उन लोगों की जो कि बिडर्स पाकिस्तान की, में करना चाह बिडर्स रहे हैं। की बड़े अहम मामलात जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से है। मईशत वो शय है जो खून की तरह एक कौम की, एक मुल्क की रगों के थ्रू जाती है। अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन में मेजर प्रॉब्लम हो जाए तो होता है हार्ट अटैक और होते मामलात गड़बड़। पाकिस्तान को हार्ट अटैक तो हो गया हुआ है, इसकी मईशत को अब इसको किस तरह से सुधारना है, किस तरीके से इसको सही रास्ते पर लाना है, दैट्स द बिग चैलेंज। अच्छा ये बताइएगा मिफ्ता इस्माइल साहब कि आप जो फरमा रहे हैं कि अभी तक 460 दिनों वाला कानून कायम है,
अच्छा, दूसरी तरफ हमने ये सुना था कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसने पीआईए की, और इनफैक्ट उस वक्त एयरपोर्ट्स की भी बात हो रही थी लीज वगैरह करने की, तो उन्होंने कहा था कि हम तकरीबन बिडिंग के प्रोसेस के करीब हैं। तो जो आप जानते हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कितना करीब है, क्या कितना अरसा लगेगा? क्योंकि जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उन्होंने ही सेड वन ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटीज इज पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, और यही बात कही है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। देखिए, इसके मोटा मोटा प्रोसेस ये होता है कि पहले आप एक कंसल्टेंट हायर करते हैं, वुमन बायर का कंसल्टेंट, यहाँ के इन्वेस्टमेंट बैंकर साथ होते हैं, वो पहले पीआईए की वो खुद फाइनेंशियल वो देखते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं, हुकूमत को देते हैं, उसके बाद आप बिड करवाते हैं, कुछ वो शेयर करते हैं डॉक्यूमेंट्स और बिडर आपकी बिड करता है। जब बिडर आपकी बिड करेगा उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे कोई भी क्राइटेरिया, उसके बाद बिडर को ड्यू डिलीजेंस करनी होती है, तो आपका एक डेटा रूम खुलता है, उसको आपने 50-60 दिन देने होते हैं कि भाई 60 दिन तक तुम जाओ और पीआईए की नसों नसों में घुसो और जो तुमको मालूम करना है, जो सवाल तुमसे पूछना है पूछो हमसे, पीआईए की हिस्ट्री के बारे में, पीआईए के फाइनेंसिस के बारे में, तो 60 दिन तो उसके लगते हैं। सो ये बात फवाद साहब की ठीक थी कि बिडिंग के प्रोसेस तक वो ले आए हैं, कंसल्टेंट हायर करके इसकी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन अभी आगे पहले बिड आएंगी, उसके बाद आपने कुछ सेलेक्ट होगा, एक दो बिडर्स हो सकता है, उसके बाद वो डेटा रूम में जाएंगे, ड्यू डिलीजेंस करेंगे, उसके बाद फाइनल बिड होगी और फिर ये काम बढ़ेगा, तो तो अभी कुछ आप वक्त लगेगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो कानून है 460 दिनों वाला उसको भी तब्दील करने की जरूरत होगी। मैं तो ये समझता हूं, और साथ साथ देखें एक और भी चीज थी कि पीआईए के ऊपर हुकूमत की गारंटी के बहुत सारे के पीआईए के ऊपर 750 अरब रुपए का कर्ज है जो कि पीआईए का ओवर द इयर्स नुकसान हो चुका है, और इसके अलावा हुकूमत ने बहुत सारे तो कैश ग्रांट्स दिए हैं, लेकिन पीआईए को हुकूमत ने 235 अरब रुपए की लोन गारंटीज दी हुई हैं, यानी कि पीआईए अगर नहीं दे सकता तो वो हुकूमत के ऊपर हुकूमत जाएंगे, देगी। तो वो 235 अरब रुपए बैंक से सेटलमेंट थी, इस पे भी कुछ काम हुआ है पिछली हुकूमत के अंदर कि बैंक से किस तरह सेटलमेंट किया जाएगा, वो भी आपने सेटलमेंट करना है, मतलब अभी देर आर इशूज देर, जो कंपनियां इतनी नुकसान कर चुकी हैं उसके अंदर सेटलमेंट करने में आपको टाइम लगेगा, तो लेकिन ये पीआईए, फिर भी मैं ये कहूंगा कि फवाद साहब ने पीआईए को एक डगर पे बिठा दिया है, तो इंशाल्लाह पीआईए जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाएगी। और IMF इज ऑल्सो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं IMF कह रहे हैं आप PIA के हवाले से ये भी करें, बैंक्स के हवाले से, तो हाउ आर दे ऑल्सो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस? इट्स नॉट क्लियर टू मी कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है IMF की, मेरे ख्याल से इस बार तो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क में जरूर होगा कि आप निचकारी करें, पीआईए की भी करें, लेकिन इसके अलावा मुझे डायरेक्ट की इन्वॉल्वमेंट का जी, मुझे जो इस काम में रिपोर्ट्स आई थी कि दे वर आस्किंग फॉर डिटेल्स वगैरह, जरा NFC अवार्ड की तरफ चलते हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि जी NFC अवार्ड का उसको आपको री एग्जामिन करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, प्रोविंसेस का शेयर कम करना पड़ेगा। आपको लगता है कि शेयर कम करना पड़ेगा प्रोविंसेस का? जी, मेरे ख्याल से जो सूबों को हम पैसे देते हैं, जो वफाक टैक्स जमा करता है उसका तकरीबन 60% हम सूबों को दे देते हैं, सूबों के पास वाफर पैसे हो गए हैं और सूबे तकरीबन 5 में से 3 साल सरप्लस कर रहे होते हैं, वफाक जो है वो डेफिसिट डेफिसिट चल रहा है और वफाक की डेफिसिट इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वो संभल नहीं रहा और हम तकरीबन डेट ट्रैप में आ गए, और इसके साथ साथ क्योंकि सूबों के पास वाफर पैसे हैं तो वो अपने टैक्स पे कोई तवज्जो नहीं देते, तो ना वो एग्रीकल्चर टैक्स जमा करते हैं ना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि वफाक जो है वो थोड़ा सा टैक्स शेयर ज्यादा रख ले, सूबों का टैक्स शेयर कम करें और सूबों को कहें कि भाई आप अपने पैसे खुद जमा करें कि आप खुद उठाएं, और साथ साथ जो वफाक ने कुछ जिम्मेदारियां ऐसी ली हुई हैं जो उसके उसके पास नहीं होनी चाहिए, इनकम सपोर्ट की हो गई, दीगर सब्सिडीज की हो गई, वो भी आप सूबों को दे दें, तो ये दोनों काम होने चाहिए। अच्छा देखिए, इसमें दो जो हमारे पास इंडिकेटर्स ऑलरेडी आए हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से एक सवाल जो किया गया उस पर उन्होंने कहा कि 18th अमेंडमेंट का जो NFC के हवाले से, उन्होंने कहा पार्लियामेंट ने एक डिसीजन लिया था, पार्लियामेंट विल डिस्कस व्हाट टू डू नेक्स्ट। दूसरा ये कि कल जो रिपोर्ट्स आई थी, आई कैन नॉट से कि दिस इज के मुसद्दिका बात है, बट रिपोर्ट्स आई थी विच वॉज रिपोर्टेड इन द मीडिया कि NFC के हवाले से ये IMF की में भी डिस्कशन हुई थी और उस पर ये कहा गया था कि दिस इज़ अ पॉलिटिकल मैटर, पार्लियामेंट को डिसाइड करना है, तो इस पर कुछ फौरी तौर पे नहीं कमिटमेंट हो सकती। लेकिन श्योरली पॉलिटिकल जो मामलात हैं, आपने बड़े यू बीन अ पॉलिटिशियन फॉर दिस लॉन्ग, आपको मालूम है कि ये कोई आसान तो नहीं होगा। आपको लगता है पीपल्स पार्टी
मैं आपकी असेसमेंट चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी या यानी पीटीआई या यानी पीपल्स पार्टी या पीटीआई केपीके या सिंध के हवाले से ऐसी चीज को अग्री करेंगे? देखिए, एक मरतबा पहले भी एनएफसी अवार्ड पे एग्रीमेंट हुआ है और सातवां एनएफसी अवार्ड है और हर 5 साल बाद ये होना चाहिए, तो ये अवार्ड बैठ सकते हैं। आसिफ जरदारी साहब की बात दुरुस्त है, ये पार्लियामेंट का फैसला था, पार्लियामेंट कैन रिविजिटेड, तो पार्लियामेंट जाके उससे बात करे। आप एनएफसी अवार्ड के अंदर ये कर सकते हैं, जो मेरा ख्याल है कि 57% पैसे जो सूबों को आप डायरेक्ट दे रहे हैं, उसके अलावा 1% केपी को और देते हैं वॉर ऑन टेरर का, सिंध को ऑक्ट्राई के लिए देते हैं, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान है, फाटा है कि आज़ाद कश्मीर है, इसको आप डायरेक्ट पैसे दे रहे होते हैं, तो उनको आप एक मरतबा री लुक तो कर सकते हैं ना, 10-12 साल हो गए हैं उसको, तो यू कैन लुक एट दिस और फिर एनएफसी अवार्ड अपनी रिकमेंडेशन दे दे और उसके बाद अगर कोई कानून में या आइन में चेंज करना है तो वो कर लें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी आर रीजनेबल पीपल, मतलब यू नो, मतलब आप इनको आर्ग्यू तो कर सकते हैं ना कि यार ये चीज़ जो थी वो कोई एक्सेसिव हो गई है, ये गवर्नमेंट के हक में नहीं है, और थोड़ा सा सूबों के अंदर भी टैक्स बढ़ाना चाहिए। अब वफाक जो है वो वाहिद जो इदारा है वो टैक्स जमा करता है और सूबे कोई खास टैक्स जमा नहीं करते, 10% भी जमा नहीं करते जो वफाक करता है, तो थोड़ा सा सूबों के ऊपर भी बोझ डालें। जी, वो इंटरेस्टिंग था कि जब पीएम की मुलाकात हुई है इनसे केपीके के सीएम से, तो केपीके के सीएम जो के अदरवाइज तो बहुत ही यू नो बड़े जनरली पॉलिटिक्स में एंटागनिस्टिक रहे, उन्होंने ये कहा कि जी हाँ उन पैसा देना है हमें इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने, लेकिन जाहिर है अगर पैसा नहीं है तो हम कैसे मांगेंगे, तो यानी कि थोड़ी सी शायद रीजनेबलनेस हर तरफ से दिखाई दे रही है इस बड़े मुश्किल वक्त। हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो अपनी पार्टी भी बनाने का सोच रहे हैं, बट बिफोर वी गो टू हिज पार्टी, मिफ्ता इस्माइल साहब ये बताइएगा कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, मतलब कहा जा रहा है दिस इज़ द बिग डील, दिस इज़ द मैजिक थिंग, इससे तमाम चीज़ें तब्दील होंगी, क्विक कॉमेंट ऑन दिस। अल्लाह करे, आप जानती हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा रोल है एस्टेब्लिशमेंट का, और अगर वो अपने रोल को मईशत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो मोर पावर टू देम। पहली दफ़ा इस्तेमाल करने की कोशिश है, पास में भी यू आप तो 15 साल से इस मुल्क के हालात में इन्वॉल्व रहे डायरेक्टली। जितना स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन इस बार हुई है मेरे ख्याल से पहले नहीं हुई, सो मतलब यू नो देयर इज मूवमेंट देयर एंड आई थिंक के देखें पाकिस्तान में ये बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत वक्त और आर्मी जो है वो एक पेज पे हो। इमरान खान साहब के साथ थी लेकिन उन्होंने वो मौका ज़ाया किया, अल्लाह करे कि ये जो अभी एक पेज का सफ़र है इसके अंदर कुछ बेहतरी आए पाकिस्तान में। तो ये जो आर्ग्यूमेंट रहती है कि जी जो आइनी रोल है वो आइनी रोल और है, ये और ये चीज़ आइनी रोल से बढ़ के, आप इसे डिसएग्री करते हैं? आपका ख्याल है कि आइनी रोल वगैरह का मामला नहीं है इस वक्त, आर्मी की जो इन्वॉल्वमेंट है उससे बेहतरी आएगी, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मैं उम्मीद करता हूं कि जब इन्वॉल्वमेंट है ही तो इससे बेहतरी आनी चाहिए, और मेरी गुजारिश ये है कि देखें डिफरेंट टाइप्स के रोल हैं। ये जो आप बात कर रही हैं ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में हुकूमत का साथ देना है, दिस इज नॉट नेसेसरली अ पॉलिटिकल रोल, और ये फिर हर जो भी हुकूमत होगी उसका साथ देना है, सो आई थिंक दैट कुड बी यूजफुल। अच्छा ठीक है जी। अच्छा ये बताइए कि इससे पहले आपकी पार्टी पर आए, आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो NA 130 से हार गए थे, तो आप ये कंफर्म कर रहे हैं बात या यू आर जस्ट कोटिंग पीपल? देखिए मैं तो कंफर्म करने के कोई पोजीशन में नहीं हूँ ना, मैं तो जज नहीं हूँ, मैं ट्राइब्यूनल नहीं हूँ, लेकिन जो पीटीआई और जो मैंने ये बात करी थी कि जो पीटीआई के लोगों ने फॉर्म 45 डाले हैं जी, और सबको हम सबको व्हाट्सएप में, उसके मुताबिक सलमान राजा साहब भी जीते थे और यास्मीन राशिद साहिबा भी जीती थी, और शाहिद भाई ने भी बात की और मैंने भी बात की कि ये फैसला जो है ये ट्राइब्यूनल कर सकता है और ट्राइब्यूनल को कर देना चाहिए। ठीक, अच्छा ये बताइएगा कि एक्सपोर्ट्स वेंट अप बाय ऑलमोस्ट $1 billion, ये हम सुन रहे थे, कोई रिपोर्ट आज पढ़ी जा रही थी, कोई इसको रिफर कर रहा था, इज दिस करेक्ट कि एक्सपोर्ट अभी हाल में इतनी उसमें इम्प्रूवमेंट आई है? $1 billion से तो ऊपर नहीं गई है, इनफैक्ट एक्चुअली टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट तो थोड़ा सा कम हो गया है, इंडस्ट्रियल गुड्स का, लेकिन
चावलों का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दी है और चावलों की कीमत दुनिया में बढ़ गई, तो जो हमने चावल बेचे हैं उसका एक्सपोर्ट बढ़ गया, वो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि वो एक आध चीज़ अच्छी चल रही होती है, एक आध चीज़ बुरी चल रही होती है, लेकिन 1 बिलियन पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट जो होता है वो 2.5-3 बिलियन, 1 बिलियन का 200-300 मिलियन बढ़ गया होगा किसी महीने। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि डोंट लुक एट इट एज समथिंग पॉजिटिव कि कोई चेंज वेंज पॉलिसी में आया है और इंसेंटिव्स में, आप कह रहे हैं कि ये जो बैन अल-अक़वामी कंडीशंस हैं इन दिस केस इंडिया ने एक्सपोर्ट बंद किया तो आपकी बढ़ गई। ठीक जी, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, एक महीने का डेटा जो है वो ठीक है, सियासतदान हम मैं भी गिल्टी हूँ कभी उसको, दे मेक अ बिगर डील आउट ऑफ दिस, अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, लेकिन सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हमारे एक्सपोर्ट में नहीं आई अगर ये बात है। वो कैटेगरी के कुछ मुद्राओं का खास तौर पे कुछ ज्यादा ही तशहीर का और सेल्फ प्रमोशन का शौक। ठीक, अच्छा, इन्फ्लेशन जो बढ़ेगी और भी आने वाले दिनों में जब हमारा IMF वगैरह के साथ अगला अग्रीमेंट होगा, अभी भी मेरा ख्याल है कि July 1 को बिजली की फिर कीमत बढ़ी, तो एक तरफ आप चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री को इंसेंटिव दें, एक डायलेमा तो बड़ा रियल है, लेकिन इंडस्ट्री से पहले जो अवाम हैं, जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो इस सब में आई मीन आई डोंट वांट टू यू नो कम अप विद क्लीशेज, लेकिन आपको मालूम है लोग तो इस वक्त यानी दफनाए गए इन्फ्लेशन के नीचे। लेकिन नसीम, फरवरी में जो इन्फ्लेशन नंबर आया वो पिछले फरवरी के मुकाबले में 23% ज्यादा, यानी कि इस फरवरी में पिछले फरवरी के मुकाबले में 23% कीमतें ज्यादा बढ़ थी। गई हैं। लेकिन जो खुशाइन बात थी वो ये थी कि जनवरी के मुकाबले में फरवरी में चीजों की कीमत नहीं बढ़ी थी, तो अभी इन्फ्लेशन जो है अब फ्लैट है, और अगर इस तरह चलता रहा तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने वो थे पिछले साल के जिसमें डार साहब ने IMF से वो थोड़ी सी IMF को डराया था और आंखें दिखाई थी, तो उन 4 महीने में एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान में 4 महीने लगातार 35% से ज्यादा इन्फ्लेशन रहा, जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि इतनी महंगाई नहीं हुई, तो उसका बेस इफेक्ट भी आ रहा है, तो जिसकी वजह से मार्च, अप्रैल, मई में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन का ईयर ऑन ईयर नंबर भी कम होगा और अल्लाह करेगा मंथ ऑन मंथ नंबर भी कम होगा। आई थिंक ये बात अब हम फेयरली कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन टेपर हो गया है, कंज्यूमर डिमांड काफी कम हो गई है, और अगर जब ये इन्फ्लेशन टेपर होता है और अगर थोड़ी सी शरह सूद कम हो जाएगी तो उससे हुकूमत का भी डेफिसिट कम होगा और इकोनॉमी में भी थोड़ी सी तपिश बढ़ेगी इकोनॉमी की भी। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि महंगाई ने लोगों को परेशान कर रखा है, दफना दिया है जैसे आपने फरमाया, और नसीम एक ज़माने में पाकिस्तान में 29% पाकिस्तान में खतः गुरबत के नीचे लोग थे, आज 39% हैं, 10% यानी कि 2 करोड़ से ज़्यादा हमने खतः गुरबत के नीचे डाला है। रियल हमारी जो माशी पॉलिसी की गलतियां होती हैं, इससे रियल नुकसान होता है लोगों को। अभी IMF के हवाले से हम सुन रहे थे कुछ देर पहले कि बिजनेस कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कह रहे थे कि जी IMF के साथ जब बातचीत होती है तो रुख गलत होता है हुकूमत की गुफ्तगू का, बातचीत का, उनकी जो इस पे नेगोशिएशंस हो रही हैं फिर से मुश्किल होगी, तो IMF की ज़रूरत आपको हर सूरत पे है, ट्रांश भी आए, अगला पैकेज भी जैसे इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और दूसरी तरफ आपकी आवाम है, दोनों के दोनों का रोना वहीं का वहीं है, तो इसका अजाला कैसे करे कोई हुकूमत? तो ये देखना चाहिए कि IMF क्या कह रहा है। अगर IMF आपसे ये कहता है कि यार प्राइमरी सरप्लस करो कि चलो डेट को निकाल भी दो, जो कर्ज वापस करते हो उसको, कर्ज के जो ऊपर जो सूद देते हो उसको निकाल दो, लेकिन बाकी अखराजात तो मीट कर लो, तो क्या IMF गलत कह रहा है? अगर IMF कह रहा है कि तुम्हारा 17% अब GDP खर्चा है और सिर्फ 10% आमदन है, तो थोड़ी सी आमदन बढ़ा लो या थोड़े से अखराजात कम कर लो, तो क्या IMF गलत कह रहा है? अगर IMF कह रहा है कि मतलब इस किस्म की बात है, अगर IMF कह रहा है कि यार आपका 700-800 अरब रुपए का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नुकसान करती हैं और आपने मुख्तलिफ हुकूमतें देख ली, PTI, पीपल्स पार्टी, PMLN, सब ने बोर्ड बना दिए, अच्छे लोग डाल दिए, नुकसान वहीं का वहीं खड़ा है और आप बिजली पाकिस्तान में महंगी से महंगी तरीन हो रही है,
और अब एक ही चारा रह गया है कि इसको निष्कारी करें ताकि इसकी कॉस्ट कम हो सके। तो क्या IMF गलत कह रहा है? कि IMF कह रहा है कि आपके यहाँ स्ट्रक्चरल मसले हैं बजट के, कि 2010 से आपका बजट डेफिसिट तेज चल रहा है क्योंकि आप NFC अवार्ड में सूमो को पैसे दे देते हैं और उनके पास इंसेंटिव नहीं रहता कि वो टैक्स जमा करें। तो क्या IMF गलत कह रहा है? IMF कह रहा है कि एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाओ क्योंकि यहाँ पे अमीर तरीन पाकिस्तानी पैसे रखते हैं अपने। तो क्या IMF गलत कह रहा है? IMF कह रहा है कि 25 लाख दुकानदार पाकिस्तान में है, सिर्फ 20,000 दुकानदार इनकम टैक्स देते हैं। तो क्या IMF गलत कह रहा है? तो हर बात आप IMF के ऊपर ब्लेम करें, जरूर कर लें, लेकिन क्या अगर हम एडल्ट्स की तरह, पार्लियामेंट की तरह हुकूमत चला रहे होते, समझदारी से मुल्क चला रहे होते, तो क्या IMF के पास आज जाने की जरूरत पड़ती? हमको जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम गलतियां करते हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि एक तरफ निजकारी, दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कम अज कम 30 साल से तो हम सुन रहे हैं इन दोनों पर राग लापती, हर गवर्नमेंट, हर एनालिस्ट, हर इकोनॉमिस्ट, हर रिफॉर्म प्रमोटर, लेकिन होता कुछ नहीं है। बहरहाल प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले आपसे बातें तो बहुत करने की थी, बट वी रन आउट ऑफ टाइम। आपकी पॉलिटिकल पार्टी आ रही है और क्या अगले 2-1 महीने में आ रही है, या ये आपका 2025 का प्लान है? देखिए, ना मेरी पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, ना शायद खाकान अब्बासी की पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं आपस में दोस्त, कि हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तानी एग्जिस्टिंग सियासी लीडरशिप है, जो कि बड़े अच्छे लोग हैं, जैद लोग थे, लेकिन वो थोड़े से अब मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ नहीं गए। और साथ में हमने अवाम का भी रद्द बदल देख लिया कि अवाम भी ये समझती है कि कोई नई बेहतर लीडरशिप को इनको ऑप्शन होना चाहिए। तो हम कुछ साथियों दोस्तों से बात कर रहे हैं कि हम एक आवाम में जाएंगे और आवाम से बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। आप जानती हैं कि सियासी पार्टी बनाना मुश्किल होता है, 140-150 पार्टियां पाकिस्तान में हैं, 2-3 के अलावा किसी को वोट नहीं मिलता। तो हम सोच रहे हैं इसके बारे में, बात कर रहे हैं, और अगर कोई जमहूरी पार्टी बनती है जिसके अंदर सदूर जो हैं वो टर्म लिमिटेड हों कि 1 या 2 टाइम तक सदर रह सकें, अगर ये खानदानी पार्टी नहीं होगी, अगर डिफरेंट सूबों से, डिफरेंट डिवीजन से मुख्तलिफ सदूर आएंगे, पावरफुल लोग आएंगे, पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव होगी, कोई एक सूबे की या कोई एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं होगी, तो उस किस्म की पार्टी को इंशाल्लाह मैं जरूर ज्वाइन करने की सोचूंगा। ज्वाइन करने की सोचेंगे। और लास्ट क्वेश्चन, एब्सोल्युटली, के PTI के साथ कोई ना कोई रेजोल्यूशन, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन के बगैर नेगोशिएट करके, आपका ख्याल है कि वो स्टेबिलिटी आ सकती है जिसकी ज़रूरत है फॉर जेन्युइन इकोनॉमिक रिफॉर्म इन दिस कंट्री? देखिए, अगर आपके सबसे बड़ी जमात इलेक्शन के बाद PTI थी, जो 91-92-93 सीटें जो भी जीते हैं, उसके अलावा इनकी रिजर्वेशंस भी हैं और रिजर्वेशन में थोड़ा सा वजन भी है, अगर हम सारे लोग, पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच गया है कि दुनिया आपसे कर्ज नहीं दे रही, पैसे आप मजीद छाप नहीं पा रहे, बहुत सारे परेशानियों में हैं, अगर हम सारे लोग मिल जाते हैं और मिल के बैठ के कोई बेहतर रास्ता निकालते हैं, तो क्या ज़रूरी नहीं है? अगर पाकिस्तान 2.60 करोड़ बच्चे जो हैं अगर स्कूल से बाहर हैं, तो क्या हमको ये बातें नहीं करनी चाहिए, या सिर्फ आपस की लड़ाई की बात करनी चाहिए? PTI वाले भी बहुत गलतियां करते हैं, ये जाके IMF के सामने तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना इनको इससे कोई सियासी फ़ायदा मिलेगा, ना पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता कोई माशी नुकसान होगा, लेकिन उनको भी समझना चाहिए और यहाँ पर भी समझना चाहिए कि चलो आप सब मिलकर बैठ जाएँ और कुछ बात करें। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, इसी पर प्रोग्राम करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।